अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर दुलनाज जमाल, मैं हेड हूँ सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की। आज हमने सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में, और जो कि बहुत अच्छा इवेंट रहा। इसमें हमारे सारे स्टेक होल्डर शामिल थे, लेकिन मैं स्पेशली बात करूँगी हमारे पब्लिक सेक्टर के 4 RBCs की रीजनल ब्लड सेंटर्स जो कि सारी सिंध में काम कर रहे हैं और वो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं। इसमें मैं आपको बताती चलूं कि हमने जो कोविड से पहले वाली सिचुएशन थी और कोविड ने थोड़ा सा पीछे कर दिया था चीज़ों को, तो वो जो हमारी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की परसेंटेज तकरीबन 8 थी, वो अब तकरीबन 13 हो गई है। सो ये हमारी अचीवमेंट है, इसको हम और भी आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हम यहाँ पे ना सिर्फ ब्लड की रिक्वायरमेंट के लिए बात करूँ कि हम ना सिर्फ ट्रॉमा या इमरजेंसीज़ या मदर एंड चाइल्ड के लिए देते हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है थैलेसीमिक, हीमोफीलिक्स और जो बाकी हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं। तो उसके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जो है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, हमारे यंग एंड हेल्दी डोनर्स आगे बढ़ें और हमारे मुल्क के वो पेशेंट्स या वो बच्चे जिनको ब्लड की नीड है उनके लिए ब्लड डोनेट करें। गैर मारी ब्लड के हवाले से जो एक्शन है उसका बारे बताएं। हमारा ये होता है कि हमसे जो रजिस्टर्ड ब्लड बैंक्स हैं, हमारा मिनिमम क्राइटेरिया ग्लोबल जो रिक्वायरमेंट्स है WHO की गाइडलाइंस उसके हिसाब से होता है, तो उसमें हमें एस सच कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, जो वार्निंग्स देते हैं मेरी टीम रेगुलर मॉनिटरिंग करती है और वो इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन इलीगल ब्लड बैंकिंग के हवाले से मैं बात करूँगी कि जहाँ हमें पता चलता है इलीगल ब्लड बैंकिंग हो रही है या किसी लैब में जो है वो हमसे रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो ब्लड जो है वहाँ पे वो वाला बिजनेस कर रहे हैं, तो वो फिर मेरी टीम जो है जहाँ हमें पता चलता है उसको जाके देन एंड देयर सील कर देते हैं। थैंक यू।